हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन स्टूडियो पर एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों आज हम बात करेंगे धातु और अधातु। लेसन पर हम बात कर रहे थे लेकिन लाइट ऑफ हो चुकी थी इसलिए वीडियो बीच में ही रुक गई थी। जैसा कि आप देखते मैंने इतना पढ़ाया भी था और लिखवाया भी था लेकिन वीडियो बीच में ही रुक गई इसलिए मैं पढ़ा ही नहीं पाया। बच्चों मैं बात कर रहा था धातु अधातु लेसन पर क्लास टेंथ के लेक्चर पर और बात हुई थी यहां पर पहले पॉइंट पर कि धातुओं के प्राप्ति स्थान, धातुएं किन स्थिति में और कहां कहां पाई जाती हैं, धातुएं किन स्थिति में और कहां कहां पाई जाती हैं। बच्चों तो हम आपको बता दें धातुएं प्रकृति में दो रूप में पाए जाते हैं, एक तो मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में वे ही धातुएं होती हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, वे मुक्त हैं, किसी भी क्रिया ही नहीं करती हैं, जैसे कि सोना चांदी प्लेटिनम लिखा भी है यहां, इन मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपको स्ट्रक्चर भी मिलेगा यहां पर, आप देख लेना कौन कौन से हैं, सोना चांदी प्लेटिनम, ये सभी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है वे हमेशा प्रकृति में संयुक्त अवस्था पाए जाते हैं। जैसा कि मैं लिखा था कि जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं वे मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मैं पढ़ा चुका था अभी अभी, बट वीडियो बंद हो चुकी थी क्योंकि लाइट ही चली गई थी, सब कुछ सेटअप बंद। कुछ उत्कृष्ट धातुएं हैं जैसे कि सोना एयू, सिल्वर एजी, प्लेटिनम पीट, इस सभी के सभी उत्कृष्ट धातु हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चों कि उत्कृष्ट धातुएं कौन सी हैं तो कहेंगे सोना चांदी प्लेटिनम, ये तीन उत्कृष्ट धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त अवस्था में, तो ध्यान देना जिन धातुओं की क्रियाशीलता अधिक हो या जो अधिक सक्रिय धातु होती हैं, जिन धातु क्रियाशीलता अधिक हो या जो धातु अधिक सक्रिय हो, जो धातु कैसे हो अधिक सक्रिय हो वे संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में पाई जाती है सर? संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। आप कौन कौन सी ऐसी, जैसे कि आप खुद जानते हैं सर, एग्जाम्पल में लें तो आपको बता दें सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब क्या है, ये सब के सब इनकी क्रियाशीलता बहुत ही ज्यादा होती है, ये अधिक एक्टिव होती हैं, इसलिए किसी ना किसी के साथ जुड़ ही जाते हैं। अब हमारी क्षमता है समझ लो अच्छे दोस्त बनाने के, तुरंत हम बना लेंगे आपसे, लेकिन इसी प्रकार सोडियम की क्षमता होती है सबसे जुड़ने की, अधिक क्रियाशील है, किसी ना किसी साथ जुड़ जाएगी और कोई कंपाउंड बना लेगी। और जिनकी क्रियाशीलता अधिक होगी अर्थात जो सक्रिय होगी वो ही संयुक्त अवस्था में रहती है, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम, ये अधिक सक्रिय होती है और अधिक सक्रिय होने के कारण किसी न किसी से जुड़कर संयुक्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन आपको बता दू ये पॉइंट ध्यान देना हमेशा, कॉपर मुक्त व संयुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है, कॉपर मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपका पूरा सिलेबस करा रहा हूं बट आप लोग हमारे साथ हेल्प नहीं कर रहे हो, वीडियो को ना तो चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हो और ना वीडियो को शेयर करते हो, बहुत ज्यादा गलत हैबिट है आपकी, ठीक। तो ये दो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा था बट लाइट चली गई थी बीच में, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि इसलिए आपको कल भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सका मैं, लाइट की बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है कुछ दिनों से, ठीक। आइए आगे बात करते हैं, आगे हम मेन हेडिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे खनिज की, खनिज किसे कहते हैं, छोटी छोटी परिभाषा है यार जिन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स, खनिज किसे कहते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, आपको पता है खनिज का मतलब होता है जो पृथ्वी के नीचे से प्राप्त किए जाते हैं, जो पृथ्वी के नीचे से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, अर्थात
पृथ्वी के नीचे धातुओं के यौगिक जिस रूप में मिलते हैं खनिज कहलाते। देखो मैंने कहा पृथ्वी के नीचे धातुओं की यौगिक, जैसे धातु का यौगिक है आपका, जैसे एल्यूमिनियम धातु ही, इस एल्यूमिनियम का खनिज होगा हमारा Al2O3 × 2H2, जिसे हम बॉक्साइड बोलते हैं। अभी समझा रहा हूं, मैंने कहा पृथ्वी के नीचे धातुओं की यौगिक जिस रूप में मिलते हैं खनिज कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। हम इस लाना पृथ्वी के नीचे धातुओं की यौगिक जिस अवस्था में मिलेंगे आपको वही खनिज कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा जैसे खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे खनिज मैंने कहा Al2O3 × 2H2, जिसका नाम होता है बॉक्साइट। जैसे मैं बात कर दूं AgCl, जिसका नाम है हॉर्न सिल्वर, जिसका नाम क्या है हॉर्न सिल्वर। बॉक्साइट Al2O3 × 2H2 और हॉर्न सिल्वर AgCl, ये दोनों के दोनों दोनों एल्यूमिनियम के क्या है, एल्यूमिनियम के खनिज हैं। हमें जाना क्योंकि एल्यूमिनियम मैंने कहा पृथ्वी के नीचे धातुओं के धातु अपनी एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम किस रूप में पाई जाती है Al2O3 के रूप में पाई जाती है, AgCl के रूप में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पृथ्वी के नीचे। एल्यूमिनियम धातु और एल्यूमिनियम धातु का जो यौगिक है वो है बॉक्साइट, वो है हॉर्न सिल्वर, ये कहां पाया जाता है पृथ्वी के नीचे, और पृथ्वी के नीचे होने के कारण इनको कहा गया कि खनिज। इसी परिभाषा कहती है पृथ्वी के नीचे धातुओं की यौगिक, पृथ्वी के नीचे धातुओं की यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। आज समझ में। अब चलिए बच्चों आप बात कर लेते हम अयस्क पर। देखो लाइट फिर चली गई, कभी भी आपके सब डाउन हो सकता है, बट मैं प्रयास करता हूं। अगली परिभाषा की बात कर दें अयस्क, जिसे इंग्लिश बड़ा बोलते हैं ओरे, ओरे कैसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखता हूं कि वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलता पूर्वक कम खर्चे में और अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, अयस्क कहलाते हैं। मतलब अयस्क का मतलब होता है कि जो हमें कम खर्चा लगे लेकिन प्राप्त ज्यादा हो जाए, खर्चा कम हो, इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन मात्रा हम उसकी ज्यादा मिल जाए, वही अयस्क कहलाते हैं। मैंने कहा कि वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलता पूर्वक कम खर्चे में और अधिक मात्रा में प्राप्त होती है अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाती है, अयस्क। लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान देना हमेशा यहां पर कि सभी अयस्क, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि जितने भी अयस्क होंगे, चाहे कोई भी अयस्क होगा, जिसे आपका क्या अयस्क ही तो है, किसका अयस्क है, सिल्वर का, ये भी क्या अयस्क है, किसका अयस्क है, सिल्वर का, तो जितने भी अयस्क हैं तुझे खनिज भी कहलाता है। सभी के सभी अयस्क खनिज कहलाते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं कहलाता है। ये जो अयस्क खनिज लिखा ना, अयस्क सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इस बात को आप नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में, और इतनी कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से, जिससे आप अपने खैर में नोट कर लीजिए। तो हमने धातु के प्राप्ति स्थान देखा,
आयस किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, इसको नोट कीजिए आप पहले। चलिए आगे हम बात करें तो यहां पर हम अगली हेडिंग हमारी होगी, आप नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज भी कर लीजिए। आगे की हम बात करें तो ध्यान देना, आगे बात होगी हमारे पास आधात्री या मैट्रिक्स की। 10 मिनट का और लेक्चर होगा, अच्छे से अच्छा प्रयास करता हूं, बस यही सोचिए कि लाइट ना चला जाए, लाइट की पूरा लेक्चर बर्बाद हो गया आज का भी। हम वही बात करेंगे यहां पर, देखना हेडिंग लिया हमने आ धात्री या मैट्रिक्स है, ये क्या है? तो आपको बता दें, आप जब भी किसी भी धातु को खानों से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के नीचे से निकालते हैं, उस अवस्था में धातु हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती है। जैसे हमें सोना प्राप्त करना है, हमें हीरा प्राप्त करना है, हमें ग्रेफाइट चाहिए, हमें कोयला चाहिए, तो डायरेक्ट थोड़ी हम गए निकाल लिया, ऐसा थोड़ी होगा। उसमें भी आपको कोयला मिलेगा या कोई भी सोना चांदी हीरा कुछ भी मिलेगा। तो धातु, जो भी धातु मिलेगी, वह धातु के साथ साथ उस खानों में मिट्टी के कण, बालू, पत्थर, अभ्रक आदि कई अशुद्धियां होंगी, इन्हीं सब अशुद्धियों को भी बोलते हैं आधात्री। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, हमने कहा खानों से प्राप्त है, हमने क्या कहा, हमने कहा एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट के लिए बस, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्योंकि हमें भी डर लगे लाइट ना चली जाए, लेकिन थोड़ा सा रुपया। देखिए हम थोड़ी सी अच्छी सी परिभाषा बात करते हैं, थोड़ा एक मिनट डिस्टर्ब हुआ। आधात्री मिनट का मतलब मैंने कहा कि हमें कोई भी चीज प्राप्त होगी तो आसानी से प्राप्त नहीं होगी, तो हम परिभाषा लिखते हैं कि हमने कहा, कहा हमने कहा है अयस्कों को प्रायः खानों से प्राप्त किया जाता है। मैंने कहा क्या, जिसमें बालू के कण, पत्थर, अभ्रक आदि आदि अशुद्धियां मिली होती हैं, इन्हें आधात्री मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। बात समझ में आ गई, आधात्री या मैट्रिक्स के मैंने कहा कि जो ऐस होते हैं उनको हम खानों से प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा खानों से जैसे हमने कॉपर लिया, तो कॉपर जो पाया जाता है वो कॉपर पायराइट के रूप में पाया जाता है, CuFeH2 के रूप में। तो जो कॉपर पायरेट सपोर्ट अगर मैं लिया तो खानों से लिया, पृथ्वी के नीचे से लिया, तो उसमें बालू के कण भी होंगे, छोटे छोटे पत्थर होंगे, अभ्रक होंगे, सिलिका होगी आदि अशुद्धियां बनेगी, इन्हीं अशुद्धियों को हम आधात्री मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। बस आएगी, अब अगली हेडिंग आप ध्यान देना, घन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में चार्ज। ये थियोरी का दुख था सो सर, घान कैसे कहते हैं तो ध्यान देना, हम कहते हैं अयस्क प्लस कोक प्लस चूना पत्थर, जिसे आपको आप जानते हैं, इसे बोलते हैं सी सूत्र, इसी को बोलते हैं हम घान, इसी को बोलते हैं हम चार्ज। ठीक, तो अगर कुछ से पूछे घान क्या है तो आप कहेंगे अयस्क हुआ, कोक हुआ अर्थात कार्बन, चूना पत्थर CH3, इन सभी का मिश्रण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, घान कहते हैं। क्या कहते हैं सर हम, घान। तो अयस्क, कोक और चूना पत्थर के मिश्रण को हम घान कहते हैं। और मैंने कहा आधात्री का मतलब है जब भी अयस्कों को हम पृथ्वी के नीचे से निकालते हैं तो उसमें मिट्टी के कण, पत्थर, अभ्रक कई अशुद्धियां होती है, इन सभी अशुद्धियों को हम आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब एक अगली अड़े पर बात करते हैं, यह है नगरी आपकी गालक, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में फ्लक्स, या बात करेंगे साथ साथ तथा का नहीं, रहने दीजिए, गालक की बात करें। ठीक,
गालक क्या है? गालक से गालक वर्ड सुन के आपको एक विचार आ रहा होगा, गालक का मतलब होगा, आप सोच रहे होंगे गालक का मतलब होता है गलाने वाला। वास्तविक रूप में यही मतलब होता है गालक का, गालक का मतलब गलाने वाला। मतलब गालक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आगलनीय शुद्धियों से क्रिया कर उन्हें गलनीय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, और जो गलनीय पदार्थ होता है उसी को धातु मल कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं वे रासायनिक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित आगलनीय अशुद्धियों से क्रिया कर गलनीय पदार्थ में बदल देते हैं। मैंने कहा कि वे रासायनिक पदार्थ जो आगलनीय अशुद्धियों, मतलब जो गली नहीं है, आगलनीय मतलब जो गली नहीं है, तो वे रासायनिक पदार्थ जो आगलनीय अशुद्धियों से क्रिया कर उन्हें गलनीय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, गलनीय पदार्थ में बदल देते हैं, उन्हें गालक कहा जाता है, उन्हें गालक कहा जाता है। और सुनना, और गलनीय पदार्थ, और गलनीय पदार्थ धातु मल कहलाता है। इस तरह मतलब गालक का मतलब ही होता है एक प्रकार का गलाने वाला, जो गला दे। तो मैंने देखा कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित आगलनीय शुद्धियों से क्रिया करें, आगलनीय मतलब जो गला नहीं है उनसे क्रिया करे, उनसे क्रिया करे, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें गला दे, तो कराएंगे वो गाला, और जो गल जाए वो कहलाता है धातु मल। तो आपको पता है गालक दो प्रकार के होते हैं हमारे, ध्यान देना। पहला गालक होता है अम्लीय गालक, कौन सा गालक, अम्लीय गालक, और एक गालक होता है हमारा क्षारीय गालक। दूसरा गालक कौन सा होता है, अम्लीय गालक, एक होता है क्षारीय गालक। अब अम्लीय गालक क्या है और क्षारीय गालक क्या है, तो अम्लीय गालक हमें जानना जो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करते हैं, क्या करेंगे, अम्लीय गालक का मतलब जो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करते हैं, और क्षारीय गालक मतलब होता है जो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करते हैं। इसको आपको ध्यान देना है, बात समझ में आई आपको। मैंने आपको केवल यह बताया कि गालक जो वो दो होते हैं, गालक एक होता है अम्लीय गालक, एक होता है क्षारीय गालक। अम्लीय गालक का मतलब होता है जो क्षारीय अशुद्धि को दूर करते हैं, अर्थात अम्लीय गालक तभी प्रयुक्त होते हैं जब क्षारीय अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, और क्षारीय गालक तभी मतलब प्रयुक्त होते हैं, उपयोग में आते हैं, जिन उपयोग करते हैं उनका, जब अम्लीय अशुद्धियां हों। क्योंकि हमने आपको अभी यही बताया है, क्योंकि थोड़ा लेक्चर को थोड़ा फास्ट भी किया है मैंने, क्योंकि मुझे डर था कि लाइट ना चली जाए, क्योंकि कल भी लेक्चर बनाने के लिए प्रयास किया बट लाइट कल भी चली गई, आज ही बनाने का प्रयास किया थोड़ी देर पहले तब भी लाइट चली गई थी, तो यही डर रहा कि फिर मेहनत पूरी बर्बाद जाएगी, आपका लेक्चर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए थोड़ा डर रहा था। लेकिन प्रयास रहा है कि आप एक बार वीडियो को बार बार बैक करके थोड़ा देख लें, और फिर भी समझ में ना आए तो प्रयास बताएंगे आप हमें, हम आपको अच्छे से करेंगे, क्योंकि लाइट की समस्या होती है, इसकी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको दोबारा बात करता हूं, मैंने बात की यहां पर आधात्री या मैट्रिक्स की। आधात्री मैट्रिक्स का मतलब होता है, हमने आपको बताया जो अयस्क होते हैं वे हमेशा खानों से मिलते हैं, और जब कोई चीज खानों से अर्थात पृथ्वी के नीचे से मिलेगी तो उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होंगी, मिट्टी के कण होंगे, पत्थर होंगे, अपरह होंगे आदि अशुद्धियां होती, इन अशुद्धियों को ही हम कहते हैं आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। दूसरी बात हमने कहा कि घान किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश वर्ड में हमने कहते हैं चार्ज बोलते हैं,
घान को मैं बताया कि जो अयस्क होता है या जो कोक हो या जो चूना पत्थर हो, इन सभी के मिश्रण को हम कहते हैं घान। क्वेश्चन आया कि अयस्क कोक और चूना पत्थर के मिश्रण क्या कहते हैं, घान कहते हैं। मैंने आपको बताया गालक क्या है, तो गालक का मतलब होता है जो चीज किसी चीज को गला दे, और गलाएगा गलाएगा किसको, जो गलाना हो, जो अगलनीय हो। तो वेल आसन एक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया कर उन्हें गलनीय पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक, जो मैंने लिखा कि वेल आसन पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया कर गलनीय पदार्थ में बदल देते हैं उन्हें गालक कहा जाता है, और गलनीय पदार्थ धातु मल कहलाता है। जो गल जाए, जो बचे, वही धातु मल कहलाता है। अब मैंने कहा गालक दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका अम्ली गालक और एक होगा आपका क्षारी गालक। अम्ली गालक का मतलब होता है, अम्ली गालक तभी प्रयुक्त होता है जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धियां हो, जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धियां हो तभी अम्ली गालक का प्रयुक्त होता है। क्षारी गालक कब प्रयुक्त होता है, क्षारी गालक प्रयुक्त होता है जब अयस्क में, जब अयस्क में क्या हो, अम्लीय अशुद्धियां हो, तभी क्षारीय गालक प्रयुक्त होता है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये धातु धातु वाला लेसन चल रहा है, लेक्चर में ध्यान नहीं कितना है, मैं वीडियो को देखकर जब जब बताऊंगा तो आपको लिख दूंगा कितना लेक्चर है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं कि आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर आगे चलेगा धातु कर्म, क्या चलेगा, धातु कर्म, और धातु कर्म के बाद एक दो लेक्चर और होंगे मेरे हिसाब से। लेक्चर बड़ा होता है बट कुछ रीजन मैं बार बार कहता हूँ कि लाइट की समस्या है, इसलिए तो कुछ ऐसा ना हो कि मैं लेक्चर बढ़ा रहा हूँ और बस लाइट पे चला जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसे लेक्चर को यहीं रोकते हैं हम, और लेक्चर को जब आगे बढ़ाएंगे तो धातु कर्म से लेंगे, दो लेक्चर और होंगे आपके इसमें इस लेसन के धातु धातु के, तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, आपसे बार बार यही गुजारिश है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, प्लीज बार बार यही कहते हैं, और अच्छे से पढ़िए, आशा करते हैं कि आप सक्सेस हो। मैं बार बार यही चाहता हूँ कि कृष्ण चाहे तो आपकी हर इच्छाएं पूरी करे और आपको अपनी मंजिल तक बस पहुंचाए। धन्यवाद।